हेलो वेलकम फ्रेंड, एक ऐसा मेगा बेस हम तैयार कर रहे हैं जिसमें कि हम एक ऐसा टेबल बनाए जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन की पूरी डिटेल हो, यानी रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, उनके मदर फादर और उनका नाम क्या है। इसके अलावा एक और टेबल हमें बनानी है। देखिए, ये तो रजिस्ट्रेशन वाले टेबल है, इसमें कुछ नाम हमने फिट किए हैं, आप इसमें और भी नाम लेके आ सकते हैं। ठीक है, फिर फादर्स नेम यहाँ पर डाला है हमने और मदर से यहाँ पे डाला, फिर डिस्ट्रिक्ट की बात की है, फिर यहाँ पे स्टेट की बात की है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें क्या करना है, दूसरा टेबल बनाना है। तो क्रिएट पर जाकर के, फिर टेबल पे जाकर के, और फिर व्यू पे जाएंगे, और जैसे ही व्यू पे जाएंगे तो दूसरा टेबल बनेगा। अब देखिए, यहाँ पर आप जब जाएंगे, ये देख सकते हैं, ये रजिस्ट्रेशन पर जाएंगे, इसको पहले मैं एक बार क्लोज करता हूँ, फिर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको केवल रजिस्ट्रेशन की डिटेल मिलेगी। ठीक है, क्लास की डिटेल नहीं मिलेगी। तो ये जो टेबल है ये रिलेटेड टू क्लास अटेंड है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्लास 10 कर देता हूँ, क्लास 10। ठीक है, बस इतना ही करना है, एंटर प्रेस करना है। यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो क्लास 10 के बच्चों का रोल नंबर हमें यहाँ पे फिट करना है। ओके, तो यहाँ पर रोल नंबर मैं लिखता हूँ, रोल नंबर को प्राइमरी की बना रहा हूँ, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये रोल नंबर लिख दिया हमने। अब इसको ऑटो नंबर रखता हूँ, चाहे तो नंबर रख सकते हैं, टेक्स्ट रख सकते हैं, व्हाटएवर यू वांट टू कीप यू कैन कीप। ओके, तो चलिए एक बार कॉन्टेक्स्ट ही रख लेते हैं, तो दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये क्लास 10 की डिटेल है और यहाँ पर क्लास 10 के बच्चों का नाम आएगा, तो नेम ऑफ स्टूडेंट कर देते हैं, कॉन्टेक्स्ट रहेगा। ओके, और इसके अलावा जो भी डिटेल और भी देना चाहते हो तो वो आप दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर सब्जेक्ट की डिटेल देना चाह रहे हैं तो सब्जेक्ट की डिटेल भी दे सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रहे कि जो रजिस्ट्रेशन में आपने दिया है उसी रजिस्ट्रेशन के आधार पर यहाँ पर नेम ऑफ स्टूडेंट जो है इसी रजिस्ट्रेशन से मिलता जुलता होना चाहिए। जैसे नाम है तो ये भी किसी क्लास से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो यही नाम आपको यहाँ पर भी देना है। ठीक है, अलग अलग क्लासेस की जब डिटेल बनेगी तो यही नाम यहाँ पर भी देना है। इसे डिजाइन के ऊपर एक बार फिर से ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं ले देता हूँ, लाइक यहाँ पर आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे दो तीन सब्जेक्ट को ले लेता हूँ, लाइक कंप्यूटर कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश कर लेता हूँ और मैथ्स कर लेता हूँ या साइंस कर लेता हूँ, इस तरह का दो तीन सब्जेक्ट मैं ले लेता हूँ। ठीक है, एस सी आई एन सी, ये साइंस कर दिया मैं, तो ये तीन सब्जेक्ट हमने ले लिए ना। तो यहाँ से जाकर के इसको नंबर बना लीजिए आप, इसको नंबर बनाइए, फिर इसको भी नंबर बनाइए, और नंबर बनाने के बाद इसको भी नंबर बनाइए, क्योंकि इसमें वैल्यू फिल होगी। ठीक है, कंप्यूटर ने क्या मार्क्स गेन किया, ये सारी चीजें यहाँ पे फिल की जाएंगी। ठीक है, ये टोटल यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पर स्क्रीन में यूज कर रहा हूँ, फायदा ये है कि यहाँ पर कैलकुलेटेड डिटेल मिल जाता है, तो यहाँ पर आसानी के साथ हम कैलकुलेट कर पाएंगे। कैलकुलेट कैसे करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमें कंप्यूटर का मार्क्स ऐड करना है, यहाँ कंप्यूटर लिख दीजिए। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है, याद ध्यान रखनी है, स्क्वायर ब्रैकेट फिर ओपन करता हूँ। दूसरा सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश, तो यहाँ इंग्लिश कर देता हूँ। ठीक है, तीसरा सब्जेक्ट है वेक्टर का निशान लगाया, स्क्वायर ब्रैकेट बनाया, साइंस, तो यहाँ पे साइंस भी लिख देते हैं, तो ये हो गया साइंस। कुछ इसी तरीके से आपको भी लिख देना है और यहाँ से ओके करना है। जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पर टोटल होता हुआ आपको नजर आएगा। ठीक है, अभी नहीं नजर आ रहा है लेकिन अभी नजर आएगा। यहाँ पे व्यू पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे यस कर दीजिए। ध्यान रहे कि रोल नंबर तो अलग होगा लेकिन नेम ऑफ स्टूडेंट ये सेम रहेगा। ठीक है, लाइक मैं राम कर देता हूँ। ठीक है, अब राम का आउट ऑफ 100 77 मार्क्स है कंप्यूटर में, इंग्लिश में 66 मार्क्स है और यहाँ पर साइंस में 78 मार्क्स है। तो यहाँ पर देखिए टोटल अपने आप कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से मैं सेकेंड जो है वो ले लेता हूँ और यहाँ पे श्याम कर देता हूँ। ध्यान रखिएगा कि ये सब बच्चे क्लास 10 से है, क्लास 10 से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, यहाँ 55 किया हमने और यहाँ पे 56 किया, 78 किया, तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर भी टोटल हो गया। तो ये दो नेम हमने फिल कर लिया है और ये दो टेबल हमारे पास बन गई है, लेकिन इसमें एक फील्ड कॉमन होनी चाहिए अगर हम रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। शुरू से ही बताता आ रहा हूँ कि एक फील्ड कॉमन होनी चाहिए फॉर रिलेशनशिप। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक और फील्ड इंसर्ट करा लेते हैं हम। लाइक ऊपर हमने किया है रजिस्ट्रेशन नंबर, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, रजिस्ट्रेशन आईडी दिया हमने, तो आईडी कर देते हैं। तो ये रजिस्ट्रेशन आईडी कर दिया, इसका डेटा टाइप शॉर्ट टेक्स्ट ही हमने रखा हुआ है, तो ये कर दिया हमने। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि जो रजिस्ट्रेशन आईडी फील्ड होगी उसमें सेम रजिस्ट्रेशन आईडी भरनी है आपको, जो राम की रजिस्ट्रेशन आईडी होगी वही आपको भरनी है। ठीक है, तो राम की ही रजिस्ट्रेशन आईडी आप भरिएगा, तो R01 राम की रजिस्ट्रेशन आईडी है, तो यहाँ पे R01 कर देता हूँ मैं, ये कर दिया R01, ये कर दिया हमने। इसी तरीके से जो दूसरी आईडी है श्याम की, तो देखिए श्याम का रजिस्ट्रेशन आईडी क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं श्याम का रजिस्ट्रेशन आईडी है R02, तो आपको R02 ही भरना है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं R02। इस तरीके से कुछ आपको भी लिख देना है, यहाँ से इसको सेव कर लेना है। सेव कर लिया,
अब ये दो टेबल हमारे पास तैयार हुई है, एक राम नाम ले लिया हमने और दूसरा श्याम दिया हुआ है, ठीक है। अब तीसरी टेबल बनाते हैं, क्रिएट पे चलते हैं, टेबल पे चलते हैं, यहाँ से व्यू पे चलते हैं, और ये टेबल बनाता हूँ मैं क्लास 11 की, ठीक है, क्लास 11, ये क्लास 11 कर दिया हमने। यहाँ पर आईडी आ रहा है, आईडी की जगह हमें रखना है रोल नंबर, ठीक है, ये रोल नंबर रखा हमने इस तरीके से, और इसको कौन सा डेटा टाइप रखेंगे, इसको हम रख लेते हैं शॉर्ट टेक्स्ट डेटा टाइप, और फिर यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर अब नाम लेना है, तो नेम ऑफ स्टूडेंट कर देते हैं, ये लिखा हमने नेम ऑफ स्टूडेंट, तो कुछ इस तरीके से आपको लिख देना है नेम ऑफ स्टूडेंट, और जैसे यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पर आपको शॉर्ट टेक्स्ट डेटा टाइप भी रखना है, ठीक है। क्लास 10 वाले डिटेल जो हमने बनाई थी, इसमें तीन सब्जेक्ट हमने लिए हैं, कंप्यूटर, इंग्लिश और साइंस, तो यहाँ पर भी हमें तीन सब्जेक्ट ही ले लेने हैं, अगर कोई अदर सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो इसे कीप अदर सब्जेक्ट आउट, ओके। तो यहाँ पर देख सकते हैं कंप्यूटर कर दिया हमने, तो यहाँ पे इंग्लिश कर देता हूँ और फिर साइंस कर देता हूँ, साइंस की जगह मैं क्या करता हूँ बायो कर देता हूँ, बायोलॉजी, ठीक है, आप और भी सब्जेक्ट यहाँ डाल सकते हैं। तो ये कर दिया हमने, तीनों का डेटा टाइप क्या होगा, टेक्स्ट नहीं होगा, नंबर होगा, ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे आप। तो यहाँ पर तीनों का डेटा टाइप बदल दीजिए, नंबर कर दीजिए, नंबर का डेटा टाइप यहाँ पे आइए, अब यहाँ पर टोटल करना आएगा, तो टोटल करते वक्त ये बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर आपको कैलकुलेटेड डेटा टाइप का प्रयोग करना है, ये आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 में नहीं मिलेगा, ठीक है, ये मिलेगा आपको कम से कम 2016 से, तो कैलकुलेटेड का ध्यान रखिएगा, ये आधा वर्जन में खोजेंगे तो नहीं मिलेगा, पर 2019 में अवेलेबल है, 2021 में अवेलेबल है, अभी कुछ दिनों पहले मैं 2021 पे वीडियो बना रहा था, उसमें भी ये चीजें अवेलेबल है। यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट बना लीजिए, स्क्वायर ब्रैकेट बना करके वही चीज कि कंप्यूटर पहले, ठीक है, सब्जेक्ट का सीक्वेंस इधर उधर हो सकता है लेकिन सही से लिखा होना चाहिए, एंटर हुआ है बिल्कुल वैसे ही आपको लिखना है, तो स्क्वायर ब्रैकेट बनाता हूँ, इंग्लिश लिख लेता हूँ, ये लिख दिया इंग्लिश, ठीक है, और फिर यहाँ पे प्लस का निशान लगाता हूँ, और यहाँ से ओके कर देना है, ठीक है, ओके करने का काम हो जाएगा आपका, लेकिन एक फील्ड कॉमन होनी चाहिए, तो कॉमन फील्ड हमें डालनी होगी, तो यहाँ पे इंसर्ट को करना है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर कॉमन होना चाहिए, तो ये रजिस्ट्रेशन आईडी है, तो रजिस्ट्रेशन आईडी कर देता हूँ मैं, ये कर दिया रजिस्ट्रेशन और फिर कर दिया आईडी, ठीक है, और इसका जो शॉर्ट टेक्स्ट ही रखेंगे रजिस्ट्रेशन आईडी को, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या रखा है शॉर्ट टेक्स्ट ही रखा है, तो यहाँ पर भी शॉर्ट टेक्स्ट होगी, ठीक है, इसको सेव करता हूँ, अब ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है, अब यहाँ पर रोल नंबर कहाँ से शुरू करता हूँ कौन, अब यहाँ पर अपने अनुसार आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, मैंने 111 से शुरू किया है, और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, अच्छा यहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, उसमें आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि इससे मिलता जुलता रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, मैंने दो तक एक दिया है, बाकी 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है, अगर कोई और क्लास है तो इसी तरीके से आगे भी आप टेबल बना सकते हो उसके लिए, ठीक है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ R03, ठीक है, और नेम सेम होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है, तो R03 किसका है, दुर्गेश का है, तो यहाँ पे नाम भी आपको दुर्गेश करना है, डबल क्लिक कीजिए, यहाँ पर नाम डाल देता हूँ दुर्गेश, ठीक है, तो ये दुर्गेश हो गया, फिर आगे यहाँ पर कंप्यूटर के मार्क्स डालेंगे, ठीक है, बाकी इंग्लिश का, और फिर यहाँ पे बायो का मार्क्स डाल के, और यहाँ पे देखेंगे तो टोटल हो गया आ जाएगा, तो R08, ठीक है, तो ये R08 कर दिया, R08 किन का है, मुझे लेना है, तो R08 जो है सुमित बंसल का है, सुमित बंसल यहाँ डाल देते हैं, ठीक है, ये लिख दिया सुमित बंसल, ये डाल दिया हमने, और यहाँ पर क्या करना है आपको, मार्क्स डाल देने हैं इनके, तो ये हो गया, अब इसको सेव करना है, ठीक है, इसको पूरा सेव कर लिया हमने, अब ये तीनों ही डेटा हमारे पास सेव हो चुका है, इसको क्लोज करना है सेव करके, ठीक है, रजिस्ट्रेशन को भी सेव करके क्लोज कर दीजिए यहाँ से, तो ये तीन टेबल हमारे पास हो गया है, ठीक है, अब हमें सीधा सीधा डेटाबेस टूल्स पे चलना है, रिलेशनशिप वाले विंडो पे आना है, रजिस्ट्रेशन टेबल हमारी पहली टेबल थी क्लास 10, दूसरी थी तो ये क्लास 10 आ गया, ठीक है, और यहाँ पर क्लास 11 तीसरी टेबल थी, तो ये तीनों टेबल हमारे पास आ चुकी है, ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं इसमें भी रजिस्ट्रेशन आईडी है, इसमें भी है, तो हम क्या करेंगे, ये जो रजिस्ट्रेशन आईडी है इसको ला करके यहाँ पर रख देंगे, ये विंडो आएगी, यहाँ से तीनों पर टिक कर दीजिएगा, 1-2 रिलेशनशिप क्रिएट हो गई, ठीक है, ये देख सकते हैं, अब यहाँ पर क्या करना है, इसको भी यहाँ पे ला कर रखना है, ठीक है, और यहाँ पे इसका भी रिलेशनशिप इस तरीके से क्रिएट करा देना है, तो आप देखेंगे कि इन दोनों में रिलेशनशिप क्रिएट हो गया है, ठीक है, फायदा क्या है रिलेशनशिप क्रिएट कराने का, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वाली टेबल पे जाएंगे तो आपको पूरी डिटेल मिलेगी कि R01
जो लड़का है वो किस क्लास का है। तो यहाँ पर क्लिक करते ही आपको ये इस तरीके से आएगा। तो ये किसका देखना है अभी, अभी हमें देखना क्लास टेन का, ठीक है। ये आर जीरो वन किनका है, टेंथ का है, तो ये टेंथ। और देखिए ये आर जीरो वन किसका है, राम का है, और राम का कंप्यूटर में कितना मार्क्स है, ये पूरा डिटेल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है।